आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। पंद्रह अगस्त की रात को 9 बजे के लगभग तलवाड़ा के एक सेक्टर के मकान नंबर 805 T1 में दो युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसमें 3 गोलियां घर पर मौजूद जसवीर पुत्री चरणदास को लगीं, जिसे तुरंत उपचार के लिए स्थानीय BBMB अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अब उसकी हालत स्थिर है। जसवीर ने बताया कि गोलियां चलाने वाला युवक फिरोजपुर का रहने वाला है और रिश्ते में उसका जीजा लगता है, जिसका 5 महीने पहले उसकी बहन रजनी से तलाक हुआ है, जिसके चलते उसने उन पर ये जानलेवा हमला किया है। घायल जसवीर के अनुसार करीब 9:15 बजे वह अपने घर पर थी, तब उसका जीजा गौरव पुत्र चन मसीह निवासी गुरहरसराय फिरोजपुर व एक अन्य युवक उनके घर पर आए और फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक गोली उसके सर को छूकर निकल गई और 2 गोलियां उसकी टांग व जांघ के आर पार हो गई। अज आप तलाश इन्फॉर्मेशन आई है भी जी सैक्टर 1 के जसवीर कौर के घर फायर हुआ, गोली चल गई, जिस संबंध आप इतने तबीबी अमृत तलवाड़ा आए, इतने कुछ जी जसवीर कौर जो गोलियां लगे जी इतने जेल आ रहे, गौरव की पत्नी ने बताया कि आरोपी गौरव नशे का आदी है, जिसके कारण उसने गौरव से तलाक लिया है और इसी बात का बदला लेने के लिए गौरव ने ये जानलेवा हमला किया है। जिस समय ये फायरिंग हुई उस समय रजनी अपने रिश्तेदारों के पास गई थी। तलवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जसवीर के बयान के आधार पर गौरव व उसके साथी युवक पर IPC की धारा 307-34 और आर्म्स एक्ट के अधीन मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। इंदौरा कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।